शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के भैरुंदा में उनके बड़े बेटे और युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान ने भव्य कांवड़ यात्रा निकाली। यात्रा नर्मदा तट नीलकंठ से शुरू हुई जो भैरुंदा के मन कामेश्वर मंदिर पहुंची। इस दौरान हजारों की तादाद में कांवड़िए शामिल हुए। कार्तिकेय पहले नर्मदा घाट नीलकंठ पहुंचे जहां पर उन्होंने मां नर्मदा की आरती की और वहां से कांवड़ लेकर हजारों लोगों के साथ पैदल 8 किलोमीटर की यात्रा की। भैरुंदा पहुंचे कार्तिकेय का जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। कार्तिकेय ने निकाली कांवड़ यात्रा। सीएम शिवराज के बेटे हैं कार्तिकेय और आपको बताते चले हैं कि भैरुंदा में जगह जगह लोगों ने इस कांवड़ यात्रा के निकलने को लेकर इसका स्वागत भी किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस कांवड़ यात्रा की जहां सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय ने कांवड़ यात्रा निकाली है। भव्य तौर पर इस कांवड़ यात्रा को निकाला गया। ऐसे में लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। आपको बताते चले कि बुधनी के भैरुंदा जो कि सीएम शिवराज का विधानसभा क्षेत्र माना जाता है और ऐसे में यहाँ से कांवड़ यात्रा के जरिए भी कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँचने की और अपनी भक्ति को प्रकट करने की यहाँ पर कोशिश की है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय भैरुंदा में जगह जगह लोगों ने स्वागत किया और इस दौरान तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह इस कांवड़ यात्रा को लेकर देखने को मिला जहां पर ज़ोरदार तरीके से स्वागत इस कांवड़ यात्रा का किया गया। भैरुंदा में ये कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस दौरान खास तौर पर नृत्य भी किया गया जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ भी की गई और साथ ही साथ हर हर महादेव के आघोष से पूरा वातावरण गूंजता हुआ नजर आया। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के उद्घोष सुनाई देते रहे। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ यहाँ पर की गई।